I experience low bus. तो भाई ये सब रोड देख लो भाई कैसा है। तो पता नहीं गाइस आज क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, अरे ये तो सच में ऑफ रोडिंग में घुस गए भाई। अरे भाई ये भाई सच में देखो रोड कैसा है। भाई साहब आप लोग चेक करो रोड कैसा है भाई, जितना अच्छा सोचे तो उससे तो बहुत खराब निकल गई। पिछली बार उधर से आए थे बट इस बार देखो पूरा कच्ची रोड है। अच्छा वो भाई बारिश वारिश नहीं पड़ा था, नहीं तो अभी हाँ भाई ये देख लो वहाँ उम्मीद की किरण दिख ये दिख गई। अब इधर से ये निकलेंगे भाई, ये रोड थोड़ा सा बढ़िया मिल गया तो भाई ये रहा। तो भाई बोलते हैं ना, क्या बोलता है पता नहीं बट बोलता है मेहनत का फल मीठा होता है। और सामने मेरा देख लो उतना मेहनत से आए तो रोड थोड़ा सा बढ़िया मिल गई है। तो भाई चलते रहो कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा ही। भाई उडनी डैम तो मिल जाएगा कहीं पे लिखा हुआ भाई, संतुष्टि मिल जाएगा कि सही रास्ते पे जा रहे हैं। सही रास्ते मतलब जिंदगी वाला सही रास्ता नहीं भाई, ये वाला सही रास्ता। ऐसे तो हम लोग जितने भी राइडर्स हैं घर वाले के लिए तो गलत रास्ते पे ही चल रहे हैं इस वजह से। अरे भाई 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 क्या हाल हो गया है। और भाई साहब ये देखो उधर से ही भाई बेटर था, झूठ का इधर से घूम गए इधर गूगल के भरोसे। बाकी इधर से देखो घूमते हुए जा रहे हैं पूरा ठीक है भाई, पूरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिए। अरे बाकी भाई देख सकते हो आप लोग को जर्नी कैसा लगा मेरा घर से उठनी डैम। वैसे भाई जितना दिख रहा है उतना है नहीं, इससे भी बढ़िया है। अच्छा यही वाला रास्ता था। हाँ भाई क्या फायदा होगा घूम के, तो यहीं आना होगा हमको। अरे भाई आप लोग एक बात यकीन कर लो, गूगल के भरोसे कभी मत चलना, क्योंकि अभी भी हम गूगल के भरोसे चल रहे थे। अपना जो डेली हम जिधर से जाते आते हैं उधर से नहीं जा रहे थे बट फिर भी देखो गूगल हमको फिर से वही रास्ता पे ला के छोड़ दिया, बीच में इतना गोल गोल घुमा के फिर वहीं पे आके छोड़ दिया। टाइम वेस्ट। भाई हमको लगा हम उधर डैम के दूसरे साइड निकलेंगे बट ऐसा कुछ नहीं था। भाई देखो भाई सामने पहाड़ देखो भाई, कितना घूम फिर के फाइनली भाई पहुंच रहे हैं हम।
अब थोड़ा सा भाई खींचते हुए निकलते हैं भाई, काफी लेट हो गया, बहुत धीरे धीरे, इतना टाइम तो पहली बार लग रहा है भाई। ये रोड भाई का ठीक है, बट कितना देर तक रहेगा वो पता नहीं भाई। ये लो, इतना मनहूस है भाई, हम बोले और ख़त्म। ये कहाँ भाई, क्या ऑफ रोडिंग हर बार हमेशा जंगल में घुस गए भाई। भाई देखना बाइक वाइक छीन ना ले कोई। ए लो भाई ये कहाँ घुस गए भाई, आज लगता है डेस्टिनेशन नहीं, पीछे से कोई आ रहा है। चलो भाई घुसाओ इसमें, अब क्या कर नहीं सकते हैं भाई, एक्सपीरियंस लो आप लोग बस। तो भैया सामने से कोई जा रहा है, भैया ट्रेन नंबर भागलपुर का नंबर है 1056, इसी के पीछे से निकलते हैं भाई। शाम आगे तो नहीं जा सकते हैं, चलो पीछे पीछे निकलते हैं। भाई रोड देख रहे हो भाई, लोकेशन भाई मजा आ रहा है, अगर अपना ग्रुप रहता तो और मजा आता भाई, क्या ही मस्त है। तो भाई कोई नहीं, इतना घूमने के बाद अगर इस तरह से मिलता है वो क्या बोलता है उसको, एक्सपीरियंस नहीं एडवेंचर, सॉरी, इस तरह से एडवेंचर अगर मिलता है तो मजा ही है भाई, देख लो। एडवेंचर मिल रहा है भाई, कच्ची रोड है, एकदम पहाड़ वहाड़ जंगल उंगल पूरा जंगल में घुस के चल रहे हैं। और भाई अब बाइक वाइक छीनेगा या क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि आदमी तो दिख नहीं रहा एक भी, इतू सा भी आदमी नहीं दिख रहा है, डर बस इतने सारे, अपने साथ मुस्कुराती तो मजा आता, क्योंकि भाई इसमें हमको कंफर्टेबल हम फील नहीं करते हैं। स्कूल के साथ भाई आ जाओ जिसको आना है, अगर रोड है ब्लॉक नहीं है तो भाई फिर देख लेंगे कौन पीछे करता है। तो मेरे प्यारे राइडर्स को छोड़ के नॉन पर्सन बोल रहे हैं, अब तुम लोग कमेंट मत करना कि 1v1 रेस कर लो भाई, क्योंकि भाई आप लोग प्रो राइडर्स हो। ये देख लो भाई फाइनली अपना डैम मिल गया, ओडनी डैम। तो भाई घूमते घूमते आए हैं चारों बगल से, तो भाई साहब ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पे आओ और मजा करो।
मोजा करो मोजा। अब भाई थोड़ा सा जान में जान आई, देख लो भाई अब रोड स्टार्ट, भाई मुरली लिखा हुआ है, ओडनी डैम बगल में फिर भी ओडनी डैम लिखा हुआ ही नहीं मिला भाई कहीं पे। अब क्या ही बोले गाइस, भाई मानना पड़ेगा डेंजरस तो है। ये देखो भाई कहाँ कितना दूर है, कितना बड़ा पोखर है भाई, सोच से ज्यादा। तो भाई क्या क्या बोला समझ में नहीं आया। तो भाई डैम ये रहा, तो चलिए भाई यहाँ से तो भाई देख लिया डैम। तो चलिए अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो अब आपको दूसरा पार्ट अगर बना पाएंगे तो बना के आपको दिखाते हैं भाई। और देख लो भाई अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ओडनी डैम, पूरा एकदम शांत शांत है क्योंकि भाई अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, तो इस वजह से इधर कोई आता नहीं है अभी। तो चलिए